लीजिए व्यूअर्स, समोसा रोल पट्टी और पिज़्ज़ा रोल रेडी हैं। समोसा रोल पट्टी के जो किनारे निकले थे, देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया है, कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इसको दही भल्लों में डाल के पापड़ी की तरह खाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे समोसा रोल पट्टी और साथ ही चिकन पिज़्ज़ा रोल भी बनाएंगे। समोसा रोल पट्टी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, हसबे ज़रूरत पानी, 1/2 चाय का चम्मच नमक। पिज़्ज़ा रोल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन, इसको मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाल के पका लिया था, पिज़्ज़ा सॉस, शिमला मिर्च, बॉयल कॉर्न। तो चलिए सबसे पहले हम समोसा रोल पट्टियाँ बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। मैदे के अंदर हम नमक और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक और ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी डाल के नरम दो गूंद लेंगे। तो गूंदने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कवर करके 1/2 घंटे के लिए हम इसको रस्ट पे रखेंगे ताकि हमारी डो सेट हो जाए। इसके बाद हम रोल पट्टी बनाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है हमारी डो को रखे हुए, अब हम समोसा रोल पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। छोटे साइज के हमने पेड़े बना लिए हैं। अब सभी पेड़ों की पतली रोटियां बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, काउंटर में भी हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा और हम रोटी बेल लेंगे। देखिए इतनी पतली होनी चाहिए। अब इसी तरह हम तमाम पेड़ों की रोटियां बेल लेंगे। सभी पेड़ों की हमने ऐसे रोटियां बेल के तैयार कर ली हैं। अब हम एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। इस तरह हाथों से अब हम फैला लेंगे। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर से इसके ऊपर रोटी रखेंगे ऐसे, और फिर से हम ऑयल लगाएंगे और फिर से हम मैदा डस्ट करेंगे। अच्छी तरह मैदा डस्ट करने के बाद फिर एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से हम फिर दोबारा ऐसे करेंगे और फिर हम रोटी रख देंगे इसके ऊपर और फिर हम बेल लेंगे। ज़्यादा हम लेयर नहीं बनाएंगे, अगर ज़्यादा लेयर बनाएंगे तो फिर सिकने में देर लगेगी। 4-4 की हम लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अब हम थोड़ा बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलिएगा, ज़्यादा प्रेस मत करिएगा। बेलने के बाद अब हम ये रोटी उठाएंगे और तवे पे डाल देंगे। तवा हमारा पहले से हमने गरम करने के लिए रख दिया था। जब नीचे वाली रोटियाँ सिकने लगे तो हम इसको पलट देंगे और दोबारा से नीचे वाली साइड हम सिकने देंगे। नीचे वाली साइड भी सिक चुकी है और देखिए ये पट्टियाँ अलग होना शुरू हो गई हैं, ये देखिए। अब हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा गर्म है तवे से निकाल लेते हैं। हमारी रोटियाँ सिक चुकी हैं, अब हम अपनी पट्टियों को अलग कर लेते हैं। देखिए कितनी आसान है पट्टियाँ बनाना। अब इसी तरह हम बाकी की भी हम पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। समोसा और पट्टी हमारी तैयार है, अब हम इनको पट्टियों की शेप दे देते हैं।
पर रखेंगे। अब इस तरह हम चकोर काट लेंगे, किनारे साइड पे कर देंगे। ये जो किनारे हैं हम इसको वेस्ट भी करेंगे। आप इसको दही भल्लों में भी फ्राई करके डाल दें, पापड़ी की तरह यूज़ करें। जी व्यूअर्स, समोसा रोल पट्टी हमारी रेडी हो गई है। देखिए बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। अब हम इसके थोड़े से रोल बना लेंगे, पिज़्ज़ा रोल बना लेंगे, और बाकी को हम जिप्लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर देंगे। बाकी के जब हमने समोसा या रोल बनाने होंगे तो काम आएंगी हमारे। सारी बैग ले लीजिए ऐसे, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमारे किनारे हैं इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। चलें अब हम पिज़्ज़ा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक खाने का चम्मच मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक लाई बना लेंगे। अब हम रोल पट्टी लेंगे एक, और दरमियान में हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस मेरी होममेड है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा घर पर ही। किनारों पे नहीं लगाएंगे, बस बीच में ही लगाएंगे हम। अब चिकन पीस ये डाल देंगे। शिमला मिर्च कॉर्न ये डालेंगे। चेडर चीज़ स्लाइस है, इसको हम आधा कर लेंगे और आधा डालेंगे। इस तरह। और हम अब किनारे को उठाएंगे और बीच में फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। और ये जो किनारे हैं इसको हम बीच में ले आएंगे, इस तरह पकड़ लेंगे ऐसे, और फोल्ड करते जाएंगे। और ऊपर हम इस साइड पे किनारे पे दही लगा देंगे जो हमने घोल बनाया था, और हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके रोल बना लेंगे ऐसे, जो किनारा है ऊपर से उठाएंगे और ऐसे हम चिपका देंगे। रोल हमारा रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी के भी रोल बना लेंगे। रोल हमारे रेडी हैं। चले अब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम रोल उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे और गोल्डन फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से। हमारे दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे। लीजिए व्यूअर्स, समोसा रोल पट्टी और पिज़्ज़ा रोल रेडी हैं। समोसा रोल पट्टी के जो किनारे निकले थे, देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया है, कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इसको दही भल्लों में डाल के पापड़ी की तरह खाएं। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको, कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। चलते चलते मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाती चलती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। इसे इब्ने माजा जिल्द 2 हदीस 2054 में बयान किया है। तो व्यूअर्स, रमज़ान शरीफ हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने बहन भाइयों, मुस्लिम बहन भाइयों के लिए दुआ करें। चलती हूँ, दोबारा हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।